बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इस टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ये सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, इसमें से हर साल 5000 के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा परिवहन के साधन एक ऐसा साधन के रूप में जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। इस लेसन के अंतर्गत हम परिवहन का महत्व, वस्तुएं सेवाओं की मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती है। वस्तुओं परिवहन कहते किसे हैं उसकी पहली परिभाषा समझ लेते हैं। परिवहन का मतलब होता है वस्तुओं अथवा सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की व्यवस्था करना। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक दिल्ली जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति को उपलब्ध करवाने में संलग्न है, उसे हम लोग व्यापारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा का दूसरा पहला एक महत्वपूर्ण चीज है परिवहन, दूसरा चीज है व्यापार। व्यापार का मतलब होता है कि वस्तुओं को खरीदना एवं बेचना, सेवाओं को खरीदना एवं बेचना। तीसरा चीज इसमें संचार का साधन है। संचार का मतलब होता है कि वहां दबाव है तो परिवहन के संचार का मतलब पहले बता देता हूं, उसके बाद इस पर आता हूं। परिवहन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं अथवा सेवाओं को पहुंचाने की व्यवस्था। संचार का मतलब है कि संदेश देना, संदेशों को एक जगह से दूसरे के विचारों के बीच में आदान प्रदान करना। जैसे हम टीवी देखते हैं, अमेरिका में घटना हो रही है, हम यहां पर तुरंत देख लेते हैं, संदेश पहुंच गया हमारा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन पढ़ाने में भी हम क्या करते हैं कि आपके माध्यम संदेश के माध्यम से ही आपके पास हमारी बातें हो रह पा रही हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा चीज व्यापार बताया, वस्तुओं अथवा सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। अब हम परिवहन को डिटेल में समझेंगे। परिवहन के साधन तीन प्रकार के साधन बताए गए हैं, स्थल जल वायु। स्थल के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, सड़क रेल पाइपलाइन। जल के अंतर्गत तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं, आंतरिक परिवहन समुद्री परिवहन। वायु परिवहन में भी दो प्रकार के वर्गीकरण कर सकते हैं, घरेलू निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी है और अंतरराष्ट्रीय भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में है। तो दो प्रकार तो वायु परिवहन सेवा है, घरेलू है एक अंतरराष्ट्रीय है, दोनों में निजी क्षेत्र का भी है सार्वजनिक क्षेत्र का भी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि परिवहन के जितने भी साधन हमारे पास हैं सभी साधनों का हम एक एक का वर्णन करेंगे। सबसे पहले सड़क परिवहन। सड़क परिवहन का मतलब है कि विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से भारत एक है। यहां सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, मतलब हम कह सकते हैं जब से सभ्यता का हमारा विकास हुआ है तब से हम सड़क का ही निर्माण करते आए। पहले लोग पगडंडियां बना लेते थे, उसके बाद लोग उसको कंकड़ पत्थर डालकर कुछ मजबूत किया, फिर कंक्रीट किया कर पहले डामर का रोड बनाए, आजकल कंक्रीट का रोड बनने लगा है। तो ये सब मिला करके सभी कच्ची सड़कें पक्की सड़कें मिलाकर 54.7 लाख किलोमीटर है, बहुत लंबा नेटवर्क है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। निर्माण एवं व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ये क्यों सुविधाजनक है ये देखिए, इसका लाभ बताया गया, तुलना की गई है। भारतीय रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की भरता क्षमता महत्व निम्न कारणों से है। पहला,
इसका लागत कम आती है। दूसरा, ऊबड़ खाबड़ भूभाग पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। तीसरा, कम व्यक्तियों तथा कम दूरी के लिए कम खर्चीले होती हैं। घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। कोई भी दुनिया में साधन नहीं, चाहे रेल से हम जाए चाहे जल से जाए, हमको घर से घर की सेवा नहीं पहुंचती। सड़क है, यह घर घर पहुंचाता है। आपके घर के सामने सड़क बनी हुई है तो आप अपने घर के सामने से निकल करके रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, आपके घर के सामने से निकल करके हवाई अड्डे पे चले जाते हैं। बिना इसके माध्यम से हम दूसरी जगह नहीं जा सकते। इसलिए अगला पॉइंट है, अन्य परिवहन साधनों से हमें जोड़ता है, रेल को, हवाई जहाज से और पानी के पोर्ट से, इन सभी चीजों को जोड़ रहा है। सब सामान हमारा घर तक वहां आगे रेलवे से सड़क के माध्यम से हमारे पास फिर से साधन आ जाते हैं। सड़कों को क्षमता के अनुसार 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग राजमार्ग, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें, सीमांत सड़कें। ये 6 प्रकार की सड़कें हैं, जिसमें सबसे पहले 5 थी, राष्ट्रीय जलमार्ग, राज जलमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। एक एक का इसमें वर्णन करेंगे। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग का कुछ विकास किया गया, जिसमें वो हम आधुनिक नाम दे देते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। एक एक का इसका हम वर्णन करेंगे। ये देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज, ये 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये नीले रंग से जो दिखाया गया है ये सड़क मार्ग हैं, जो कि आपस में जोड़ते हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी हैं प्रस्तावित, नहीं है, बन चुके हैं अभी लगभग। उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से यहां पर कन्याकुमारी तक है। दूसरा पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर से यहां से पोरबंदर तक है। ये आपको थोड़ा सा स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में है। इतना आप लिख देंगे, आपका चारों नगरों को जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम गलियारे को। इस पर अभी क्यों महत्वपूर्ण है, ये 8 लेन से तक बनाया, 14 लेन तक, अभी 6 थे, अभी 6 से बढ़कर के 8 कहीं कहीं हो गए हैं, कहीं कहीं 14 लेन के भी हो गए हैं। इसको डेवलप किया गया है, ये सभी नगरों को, अभी बिकर्ण को भी जोड़ने का प्रयास, जो आपका गलियारा बन गया बिकर्ण में आ जाते हैं, बिकर्णों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। अभी काफी तेज गति से इस पे वाहन चलते हैं और इसको जो बनाने का लिए लागत लगाई जाती है, इसको कहा गया था बनाओ चलाओ और सौंपो, मतलब जब बन जाएगा तो जो लागत आएगी वो सभी लागत टोल नाके के माध्यम से सूल की जाएगी और जब उसका सूल हो जाएगा तो जनता को सौंप दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ दिनों के बाद ये फ्री हो जाता है, मगर फ्री होने के पहले उसका मरम्मत कार्य चलता रहता है, इसलिए फ्री जल्दी नहीं हो पाता है, मगर लोगों को अच्छी सुविधाएं इस पर मिल रही हैं। आपके पास में इसका एक हिस्सा 4 नंबर का मार्ग, जो सड़क मार्ग जा रहा है राष्ट्रीय मार्ग, ये आपके पास से गुजर रहा है, सतारा से गुजर रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज का। आप पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, बंगलौर, तब आपके पास ही ये गुजर रहा है, इसमें से आप बहुत सारे बच्चे गुजरे भी होंगे। अब दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे।